जोन में तीन जिले आते हैं, कांगड़ा, ऊना और चंबा। इन तीनों जिलों में कोई 17-17.5 करोड़ का नुकसान हुआ है। ऊना और कांगड़ा में तो 99% विद्युत व्यवस्था सुचारू रूप से हो गई है, बीच में छोटी मोटी कंप्लेंट्स होगी पर मेजर ब्रेकडाउन जो है रिकवर कर लिए गए। यहाँ पे चंबा में थोड़ा अभी ब्रेकडाउन हमारा रिकवर करने को है, 40 के करीब ट्रांसफार्मर जो है वो अभी भी काम के युद्ध स्तर पर चला हुआ है, होपफुली आज शाम तक या कल तक वो व्यवस्थित हो जाएंगे। सर कितने जो लाइनें हैं इस दौरान प्रभावित हुई हैं और ट्रांसफार्मर के अलावा ऐसी कौन कौन से मेजर फॉल्ट जो हैं इस दौरान हुए हैं? हमारी तेती के भी लाइनें काफ़ी प्रभावित हुई, तेती के भी चंबा में मेडिकल कॉलेज के लिए लाइन थी बन रही थी वो वॉश आउट हुई, तेती के भी लाइन कंगैन की जो IPH की स्कीम है उसकी वॉश आउट हो गई है, पर हमने उसको अल्टरनेट रूट से चलाया हुआ है। ऊना में हमारा काफ़ी नुकसान हुआ, 12.5-13 करोड़ का नुकसान, 17 करोड़ में से 13-13.5 करोड़ का नुकसान ऊना जिला से ही है, पर वहाँ पे अल्टरनेट सिस्टम था उससे सप्लाई सिस्टम चला हुआ है। ट्रांसफार्मर्स हमारे हमने रिप्ले क्योंकि बोर्ड में इस वक्त तो पहले से हमने तैयारी करके रखी थी तो जल्दी से हम रिकवर करने काबिल हो गए, क्योंकि और साथ में हमें जो आउटसोर्स कॉन्ट्रैक्टर्स से एंगेज कर रखे थे टाइमली, और मैं आपके माध्यम से उन लोगों का भी बड़ा धन्यवाद करना चाहता हूँ कि इस भीषण परिस्थिति में उन्होंने हमारा साथ दिया और हम अपने इस लक्ष्य को प्राप्त करने में कामयाब हुए। जल्दी से हमने इसको रिकवर कर लिया जितनी जल्दी हो सकता था विद अवेलेबल रिसोर्सेज। तो एक नई इम्प्रूवमेंट एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, अभी हमारा एक RDSS का एक कार्यक्रम है जिसके अंतर्गत कल ही शिमला में टेंडर खुला है जिसमें तीनों जिलों का इकट्ठा टेंडर 343 करोड़ का हुआ है, जिससे हमारी जो व्यवस्था है और भी बढ़िया तरीके से हो जाएगी और सुदृढ़ हो जाएगी, और अब जल्दी ही एक और मॉडर्नाइजेशन का स्कीम लाने वाले हैं उसमें जो भी कमियां इस वक्त सिस्टम में है उनको हम पूरा कर लेंगे, उसमें केबलिंग का कार्य भी होगा और उसमें जो जहाँ पे सब स्टेशन वोल्टेज की कमी है वोल्टेज प्रोफाइल खराब है वोल्टेज प्रोफाइल को भी ठीक कर लेंगे। सर जी ये जो RDD स्कीम है इसके तहत कौन कौन से मेजर कार्य जो है वो किए जाने हैं और किन जिलों में इसका कार्य जो है? तीनों जिलों में बराबर के डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ कार्य और ये नीड बेस्ड है। हमने पहले एक बड़ा महत्वाकांक्षी एक नेट डॉक्यूमेंट बनाया, जरूरत कहाँ है उस जरूरत के हिसाब से इसको मैप किया गया स्कीम को, और यहाँ पे कांगड़ा जिला में हम 12 सब स्टेशन लगा रहे हैं, इसी तरह चंबा में 5 हैं, ऊना में भी हैं, तो ये जब सब स्टेशन लग जाएंगे और सिस्टम जहाँ पे खासकर जो बाजार है वहाँ पे हम ने केबलिंग की एक योजना तैयार की है कि वहाँ केबल्स के थ्रू जहाँ पे बहुत नज़दीकी मामला हो जाता है, कई बार लोग बाजारों में जनरली तारें बहुत नज़दीक होती हैं, केबल्स उसको रिप्लेस कर दिया जाएगा भविष्य में।